देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। कोरोना के कहर के चलते 7 साल या उससे कम की सजा काटने वाले कैदियों को अंतरिम जमानत देने के उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। अब पैरोल या अंतरिम जमानत पर वह कैदी जिनके 7 साल या उससे कम की सजा है या छोटे अपराध में मुकदमे का सामना कर रहे कैदियों को उनके अपराध और व्यवहार के आधार पर 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी जाएगी। जेल में कैदियों को एक दूसरे के कम संपर्क व सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पैरोल या अंतरिम जमानत के प्रार्थना पत्र जेल प्रशासन द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से राज्य सरकार या संबंधित न्यायालय को प्रेषित किए जाएंगे। जानकारी देते हुए नेहा कुशवाहा ने बताया कि केंद्र सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग पॉलिसी का अनुपालन करते हुए किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अस्वस्थ कैदियों को फिलहाल जमानत नहीं दी जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि कैदियों का जीवन जेलों में चुनौतीपूर्ण रहता है, ऐसे में अगर कैदियों में संक्रमण फैलता है तो यह सरकार के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा और वह पुलिस कर्मी जो जेलों में इन कैदियों के बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन पर भी बड़ा खतरा बना रहेगा। बढ़ते कोरोना का कहर पूरे देश में दिख रहा है। सरकार जहां आम को बचाने का प्रयास कर रही है तो वहीं कैदियों में संक्रमण ना फैले इसके लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश द्वारा उत्तराखंड में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर कोरोना के कहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि 7 साल से कम वाली सजा के कैदियों को पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा। सभी कैदियों का हेल्थ चेकअप कर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी और सभी कैदियों को पुलिस के जरिए परिवार तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं। नमस्कार, मैं नेहा कुशवाहा, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी देहरादून। महामारी कोरोना वायरस COVID-19 से जेल में निरुद्ध कैदियों को बचाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय उत्तराखंड द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी द्वारा यह फैसला लिया गया है कि ऐसे कैदी जो कि ऐसे अपराधों से संबंधित हैं जिसमें 7 या 7 साल से कम की सजा है, ऐसे कैदियों को या तो पेरोल पे या इंटरिम बेल पर छोड़ा जाएगा। उक्त निर्देश के पालन में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संबंधित जेल कारागारों के जेलर से संपर्क किया जा रहा है एवं सारे निर्देश का पालन किया जा रहा है। यह बताना जरूरी समझती हूँ कि समस्त कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और पूरी प्रक्रिया उन लोगों के लिए अपनाई जा रही है, जैसे हेल्थ चेकअप, प्रॉपर पुलिस के जरिए संबंधित कैदी को रिलीज होने के बाद परिवार तक पहुंचाना, इस तरह की चीजों का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।